हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग ऑन यूनिट मेटलर्जी पार्ट नंबर 4. हियर वी स्टडीड द मेन बेस ऑफ मेटलर्जीज आर स्टेप्स ऑफ मेटलर्जीज. पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी को एक लेआउट के माध्यम से पढ़ा था और उस स्टेप्स में ये जान पाए थे कि कितने चरण हैं जिनके माध्यम से हम मेटल्स का प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्शन करेंगे. तो उन सारे स्टेप्स को अगर ले लिया जाए, उन सभी चरणों को यहाँ पर इंडिविजुअली देखा जाए अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज, तो हम यहाँ मेटलर्जी को भी डिफाइन कर पाएंगे. तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले लेआउट चार्ट को लेते हुए हम लोग मेटलर्जी को डिफाइन कर लेते हैं और वन वर्ड में समझ पाते हैं कि वास्तव में धातु कर्म क्या है. सो सिंपली वी डिफाइन टर्म मेटलर्जी. The entire scientific and technological process used for isolation of the metal from its ore is known as metallurgy. और यही मैं कह रहा हूं कि जो स्टेप्स लिए थे हम लोगों ने लेआउट में, उनमें सबसे पहले क्रस्टिंग ऑफ ओर, अयस्क का पीसना, और ग्राइंडिंग ऑफ ओर, देन कंसेंट्रेशन ऑफ ओर. उसके 3 मेथड्स थे, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ग्रेविटेशनल सेपरेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन, देन रोस्टिंग इन रिवर्बेटिव फर्नेस, देन स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, देन बेसेमरिफिकेशन इन बेसेमर एक्सचेंजर, एंड फाइनली स्टेप्स इज गोज ऑन प्योरिफिकेशन. इट कंप्लीटेड इन इलेक्ट्रोलाइट सेल एंड द मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. सिंपली हम जान पाते हैं कि मेटलर्जी क्या है. तो किसी धातु को शुद्ध रूप में उसके अयस्क से प्राप्त करने की प्रक्रिया ही धातु कर्म है. तो वन वर्ड में परिभाषित करें कि किसी शुद्ध धातु को उसके किसी अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया. और जब हम कह रहे हैं ना संपूर्ण प्रक्रिया, तो वही स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी आते हैं. और जितने भी स्टेप्स को अभी हमने नॉमिनेट किया, उन सब की मदद से ही हम इस प्योर मेटल को प्राप्त करेंगे. तो ये सब पूरी प्रक्रिया ही वास्तव में धातु कर्म है या मेटलर्जी है. तो अब हम लोग चलेंगे स्टेप्स की ओर और एक एक स्टेप्स को क्लियरिटी से समझते चलते हैं. जान पाएंगे कि जो स्टेप्स हैं उनमें डायग्राम भी मिलने वाले हैं, और यहां जब हम लोग इनका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे, तो प्रॉपरली जब मेटल्स का स्टडी करने चल रहे होंगे, तो वहां पर फिर हमें रिपीट डायग्राम नहीं बनाने होंगे. तो इसलिए यहां पर ही अच्छे से मैंने समझ लेते हैं. पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे. चूंकि हमने स्टार्टिंग में जब लिया था तो मिनरल्स की बात की थी, मिनरल्स जान गए हैं, और जानते हैं हम, अयस्क जान चुके हैं. तो अब सीधे स्टेप्स में ही चलें. पहला पार्ट आएगा आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर. जिस भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करने चल रहे हैं, उसको उससे रिलेटेड मिनरल से एक्सट्रैक्ट करेंगे. सपोज दैट कोई ये अर्थ रीजन का पार्ट है जिसको दिखाते हैं यहाँ, ये एक्वेटिक रीजन है, और यहां से डिगिंग द्वारा कोई मिनरल प्राप्त किया गया, और उस मिनरल में उपस्थिति है मेटल्स की, जैसे कॉपर की, जैसे एएल की, जैसे आयरन की, एसेट्रा. तो जिस भी मेटल की मैक्सिमम प्रेजेंस होगी उस मिनरल में, उसी का एक्सट्रैक्शन कर लिया जाएगा उससे रिलेटेड उसके ओर से. तो पहले मिनरल है और देन उनसे रिलेटेड क्या है, ओर है. अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां ओर की बात करते हैं, तो ये ओर भी हैवी पार्ट के रूप में प्राप्त होंगे. तो अगर ये भारी अयस्क यहां प्राप्त हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें, हम क्रशिंग करें. इसे हैमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा छोटे छोटे पार्ट में क्रश कर दिया जाए, इसे तोड़ दिया जाए, इनके पीसेस बना दिए जाए. और जो ये पीसेस प्राप्त होते हैं इनके टूटने से, इन सभी पीसेस को उठा करके एक इक्विपमेंट से, जिसे सिंपली हम लोग ग्राइंडर कह सकते हैं या क्रशर कह सकते हैं, या स्टाम्प माइल कह सकते हैं, क्रशर में डाल करके, ग्राइंडर में डाल करके, या स्टाम्प माइल में डाल करके इन्हें ग्राइंड कर देते हैं, और जिससे ये बारीक पाउडरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. और फाइनली इन्हें सीप्स द्वारा यानी छलनी द्वारा छान लेते हैं और
इस प्रकार के प्रोसेस को यहां क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर कहते हैं। आपको जानकारी करा दूं कि यहां पर यूज किए जाने वाला क्रशर इक्विपमेंट्स है, तो इस तरह ओर के पाउडरिक फॉर्म को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रशिंग कहते हैं। तो अगर शॉर्ट नोट्स में पूछ दिया जाए कि व्हाट इज क्रशिंग, देन आप ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस ही है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। तो चलते हैं अगले स्टेप्स की ओर, जिसे नॉमिनेट किया है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। ये हमारे स्टेप्स में सेकंड स्टेप फॉलो करता है। और सबसे पहले इस प्रोसेस को समझ लें कि सांद्रण क्या है वास्तव में। जो ग्राइंड किया है हमने, क्रशिंग करी है ओर की, उसी ओर में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो अवांछनीय हैं, जिनकी उस मेटल के एक्सट्रैक्शन में हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सो वी सेज दैट दीज सब्सटेंस आर नोन एज अनवांटेड मटेरियल। तो अब इन अनवांटेड मटेरियल्स को अगर उस ओर से हटा दिया जाए, एक्सट्रैक्ट करा दिया जाए, तो वास्तव में यही प्रक्रिया कंसेंट्रेशन है। इसी प्रोसेस को हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टू यू, व्हाट इज कंसेंट्रेशन, व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। देन राइट डेफिनेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओर इज रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स लाइक एज ए सैंड, लाइक एज ए क्ले फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसेंट्रेशन। अयस्क में इसे हुए, अयस्क में, बारीक अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अवयवों जैसे सैंड यानी बालू, क्ले यानी मिट्टी आदि को पृथक करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। और वास्तव में जब हम यहां अनवांटेड मटेरियल्स को कहते हैं, अवांछनीय पदार्थों की बात करते हैं, तो मेटलर्जी में इन्हें गैंग कहते हैं। और ये अपने आप में एक साइड नोट्स है कि व्हाट आर गैंग्स। तो सिंपली यू नो दैट एंड सब्सटेंस हु आर प्रेजेंट इन ओर बट दे आर अनवांटेड मटेरियल लाइक एज ए सैंड, लाइक एज ए क्ले एंड एसेक्टा टाइप ऑफ सिलिकेट्स आर अवेलेबल, तो दे आर कॉल्ड गैंग। एंड गैंग्स आर आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स, इन्हें अधात्री कहते हैं। तो वास्तव में जो अशुद्धियां हैं वही गैंग हैं और वही अधात्री हैं। और ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि अगर ये गैंग और अधात्री यहां से हटा दिए जाएं, इनका रिमूवल करा दिया जाए, तो इसी स्टेप को कहेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। तो स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर टू हुआ और इंटरेस्टिंग, क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो स्टेप हम करने चल रहे हैं, जो अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करने चल रहे हैं, उनके लिए स्टेप्स का यूज करेंगे, उनके लिए मेथड्स का यूज करेंगे, तो जान पाते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में कौन कौन सी विधियां हैं। तो स्टेप्स के आधार पर ही क्लियर किया था, वही यहां रिपीट करा दूं कि फ्रोथ फ्लोटेशन इज द बेस्ट मेथड, आल्सो नेम्ड झाग प्लमन विधि या फिन प्लमन विधि। सेकेंड, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, इसे गुरुत्वीय पृथक्करण कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैकेनिज्म पर बेस्ड है, विद डायग्राम हम इसके मैकेनिज्म को क्लियर करेंगे। देन थर्ड है मैग्नेटिक सेपरेशन, इसे चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। और यहां पर मैग्नेटिक रोलर व्हील का उपयोग करते हैं और इन व्हील्स के माध्यम से यहां पर इन मेटल्स को रिमूव करते हैं, और बेसिकली जो अवांछनीय पदार्थ हैं उनको यहां से रिमूवल करते हैं और मेटल को प्योरिटी की तरफ ले जाते हैं, अर्थात उस धातु को शुद्धता की तरफ ले जाते हैं। इसके अलावा ये तीन तो मुख्य विधियां हैं ही, और इसके अलावा एक निच्छालन प्रोसेस और आता है, अलग से शॉर्ट नोट्स में पूछ देते हैं इसे, कि लीचिंग। तो हम इसका डिस्कशन अलग से प्रॉपरली शॉर्ट नोट्स के रूप में करेंगे, लेकिन अब यहां हम जब मेथड्स में चलेंगे तो इन तीनों ही मेथड्स को कंप्लीट करेंगे और इनके डायग्राम समझते हुए इनके मैकेनिज्म को क्लियर करेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड द्वारा ओर का कंसेंट्रेशन। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ओर मेथड को, जिसे नॉमिनेट करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, झाग या फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन से टू यू, डिस्क्राइब द कंसेंट्रेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ ओर विथ डायग्राम, विथ फिगर। तो फिगर हमने यहां ड्रॉ कर दिया है, फिगर के माध्यम से ही मेथड को समझ लेंगे।
इतना इजी वे पर आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ कि इसका मेथड आपको लर्न करने कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसके टेक्निक को समझ करके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहली जानकारी कि किसके लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। तो आयस्कों का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो उस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में जान पाए थे कि कुछ आयस्क ऐसे हैं जिनमें सल्फर की उपस्थिति है और ऐसे अयस्क सल्फाइड अयस्क के रूप में जाने जाते हैं। तो जब सल्फाइड अयस्कों का स्टडी करने चलते हैं तो ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहां ओर के, उनके फार्मूले। सबसे पहला CuFeS2 कॉपर पायराइट है और ये कॉपर धातु का, तांबा धातु का सल्फाइड अयस्क है। दूसरा Ag2S, इसे सिल्वर ग्लांस कहते हैं और ये चांदी धातु का, सिल्वर धातु का सल्फाइड ओर है। इसी प्रकार PbS, गलेना, लेड धातु का, सीसा धातु का सल्फाइड ओर है। ZnS, इसे जिंक सल्फाइड कहते हैं, जिंक ब्लेंड कहते हैं और ये जस्ता धातु का ओर है। तो यहां चार मेटल्स के लिए चार यहां सल्फाइड ओर हमने लिख दिए एग्जांपल के लिए। CuFeS2 कॉपर पायराइट कॉपर के लिए, Ag2S सिल्वर के लिए है, सिल्वर का सल्फाइड अयस्क है, और PbS गलेना है लेड का, और ZnS है जिंक ब्लेंड जो कि जस्ता धातु का। तो पहली बात यहां से क्लियर हुई कि ये विधि सल्फाइड अयस्कों के प्योरिफिकेशन के लिए, उनके कंसेंट्रेशन के लिए उपयोग में लाई जाती। अब आते हैं सीधे मेथड्स की ओर। फिगर का इंडिविजुअली सेगमेंट समझते हैं, क्या पार्ट है, क्या क्या यहाँ रोल होगा और कैसे कैसे हम यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन करेंगे ओर्स का। इस विधि में जाएं तो एक आयताकार टैंक है, रेक्टेंगल शेप का टैंक है और इसके मिड पार्ट में एक टोयर लगा होता है। एयर को, कंप्रेस्ड एयर को पास आउट कराने के लिए एक टोयर लगा होता है और यहां पर देख पा रहे हैं कि होल्स बने हुए हैं। ये किस लिए है? ताकि जो कंप्रेस्ड एयर यहां भेजी जा सके, प्रवाहित की जा सके, वे इन छिद्रों के माध्यम से, इन होल्स के माध्यम से इस लिक्विड फॉर्म में उपस्थित जो अवयव हैं उनमें पास आउट की जा सके, इसलिए टोयर का उपयोग करते हैं। इनसाइड वी टेक फर्स्ट वाटर एंड इन इट मिक्स्ड ओर, जल भरते हैं सबसे पहले और इसके साथ में जिस अयस्क का सांद्रण करने चल रहे हैं, जिस अयस्क का कंसंट्रेशन करने चल रहे हैं उसे मिलाते हैं और साथ में इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। और ऑयल की स्पेशलिटी क्या है? या तो सोडियम एथिल जेंथेट या पोटेशियम एथिल जेंथेट का उपयोग करते हैं और ये केमिकल नेम लिखा है हमने, जबकि इंडस्ट्रियल नॉमिनेशन में से पाइन ऑयल के रूप में जानते हैं, चीड़ के तेल के रूप में जानते हैं। तो ऑयल का यूज किया है और वाटर का यूज किया। आप समझ लीजिए, इसके मेथड को जानना बहुत जरूरी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि इस वाटर में और ऑयल में दो पाइप बन रहे हैं। चले चले सरफेस केमिस्ट्री की तरफ, और जब हमने सस्पेंशन पढ़ा था तो वहां पर वाटर और ऑयल इन दोनों के लिए सस्पेंशन का टाइप पड़ा था। तो दो चीजें हैं यहां, एक ओर है, अयस्क है, और दूसरा इंप्योरिटी है। तो ओर को एक्सट्रैक्ट करना है, यही हमारा एम है, और इंप्योरिटी को हटाना है यहां से। इंप्योरिटी हटेगी तो ओर हमें प्योर फॉर्म में प्राप्त होगा। वाटर में ध्यान दीजिएगा, वाटर में इंप्योरिटीज सॉल्युबल है और जो ऑयल है उसमें ओर पार्टिकल सॉल्युबल है, अयस्क के कण जल्दी से घुल जाते हैं। तो अब जो ऑयल है वह ओर पार्टिकल्स को, अयस्क के बारीक पिसे हुए कणों को भिगा देता है, वेट कर देता है, और वाटर जो इंप्योरिटीज है उनको भिगा देता है। तो इंप्योरिटीज धीरे धीरे, अब हमें इसको पूरे सब्सटेंस को होमोलॉगस करना है तो यहां से क्या करें, कंप्रेस्ड एयर को टोयर के माध्यम से पास आउट करें। सारा सब्सटेंस मिक्स्ड होना स्टार्ट होगा और फोम का
का फॉर्मेशन होगा, फ्रोथ का फॉर्मेशन होगा, बबल्स बनेंगे, बुलबुले बनेंगे, फेना बनने लगेगा, झाग बनने लगेगा, और उसमें क्या होगा, उसमें सल्फाइड और पार्टिकल्स जो कि हल्के होंगे, अयस्क के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट वेटेड होंगे और उस फोम बबल्स के साथ में ऊपर की तरफ उठेंगे, और ऊपर की तरफ आएंगे तो यहां साइड पर लगे हुए पाइप्स के माध्यम से इन्हें अलग टैंक में कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये क्या है, ये सल्फाइड ओर पार्टिकल्स हैं और इन्हीं को हमें फाइंड आउट करना था, प्योर फॉर्म में इन्हें एक्सट्रैक्ट करना था। दूसरी तरफ चले वाटर, वाटर में क्या था, इंप्योरिटीज डिसॉल्व हुई हैं, और वाटर और ऑयल के इस बेस को हम यहां कॉमनली सस्पेंशन कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो इस आधार पर जो इंप्योरिटीज पार्टिकल्स हैं वो हैवियर हो जाते हैं वाटर के साथ में, और यहाँ गैंग के रूप में, जिसे मैंने कहा कि जो ओर की इंप्योरिटीज हैं वे गैंग कहलाती हैं, इन्हें मैट्रिक्स भी कहते हैं, इन्हें आधात्री भी कहते हैं। तो ये गैंग यहाँ निचली सतह पर टैंक में बैठ जाता है। तो इस प्रकार ये सांद्रित अयस्क कैल्सिनेटेड ओर को बाहर प्राप्त कर लेते हैं और अशुद्धियां इसी टैंक में रह जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि वास्तव में सल्फाइड अयस्क को प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का उपयोग कर लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी एक्सप्लेन इट्स मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ आर पार्टिकल्स ऑफ ऑयल एंड गैंग्स पार्टिकल्स विथ वॉटर। मेथड्स की ओर चलें और मेथड एक्सप्लेन कर लें कि ड्यूरिंग दिस मेथड फाइनली पाउडर्ड एंड क्रस्ट ओर इज मिक्स्ड विथ वॉटर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाइन आयर इन अ टैंक। द मिक्सचर इज द वॉलेंटली अगेंस्ट बाय द पासिंग अ करेंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो जैसा डायग्राम में लिया हमने कि क्रस्ट ओर है, मिक्स्ड किया गया है वाटर में, और क्वांटिटी है यहां पर पाइन ऑयल की इन टैंक में। तो ये थ्री सब्सटेंस की प्रेजेंस है टैंक में। द मिक्सचर इज देन वायलेंटली एजिटेटेड बाय पासिंग अ करेंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर, यानी संपीड़ित की गई वायु की तीव्र धारा, करेंट ऑफ एयर पास आउट करते हैं परफोरेटेड पाइप, जिसे मैंने ट्वियर कहा, और पार्टिकल्स राइज टू द सरफेस अलोंग विद द फ्रोथ व्हाइल गैंग पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम। अशुद्धियां सारी बॉटम पर चली जाती हैं और जो सल्फाइड ओर है वह फोम के साथ में, झाग के साथ में ऊपरी सिरे से बाहर प्राप्त कर लिया जाता है। और यह विधि मुख्य रूप से सल्फाइड ओर के कंसेंट्रेशन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सल्फाइड अयस्कों का शोधन करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर का फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड कंप्लीट कर लिया है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और इन मेथड्स के द्वारा जब हम ओर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं प्योर फॉर्म में, देन उस ओर को कैल्सिनेटेड ओर कहते हैं, अर्थात इसे सांद्रित अयस्क के रूप में जानते हैं। तो इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है उसे सांद्रित अयस्क कहेंगे। अब इसका जो सेकेंड और थर्ड मेथड है, यानी ग्रेविटेशनल सेपरेशन, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, और मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, जहां से कैल्सिनेशन ऑफ ओर या कंसेंट्रेशन ऑफ ओर स्टेप्स पूरा होगा। और इस स्टेप को पूरा करने के बाद हम लोग अगले स्टेप्स में जाएंगे, यानी थर्ड सेक्शन की ओर जाएंगे, जिसे रोस्टिंग कहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा
कि ये मेटलर्जी का जो स्टेप्स है अपने आप में एक लॉन्ग फॉर्म यूनिट के रूप में बन जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में एग्जामिनेशन में नहीं मिलता है, इसके शॉर्ट टर्म छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस बना करके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ही है आज प्रोफ्लोटेशन का, और साथ में छोटे शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट हुए हैं। तो रोस्टिंग भी शॉर्ट नोट्स के रूप में आगे सेक्शन में आपको मिलेगा, और रिवर्बेटरी फर्नेस के डायग्राम द्वारा हम लोग रोस्टिंग को समझेंगे, और रोस्टिंग के प्रोसेस में होने वाले जो भी स्टेप रिएक्शंस हैं वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में सबमिट करता है कि गिव राइज अ रिएक्शन ऑफ रोस्ट। तो रिएक्शन भी करेंगे, डायग्राम भी यूज करेंगे, और उनके मेथड को भी पढ़ेंगे।